मैजिक 106.4 पर मैं सिंपली सुड और इस वक्त मेरे बाजू में जो जनाब बैठे हैं ये जनाब अभी थोड़े दिनों पहले ब्रेकअप से परेशान थे, वेलकम गजेंद्र, और इसलिए इन्होंने एक गाना बनाया जिसका नाम है तेरा घाटा, और ये गाना इन्होंने अपने चैनल पे डाला और ये गाना इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि मतलब वायरल की डेफिनेशन मतलब तेरा घाटा जैसा वायरल, ऐसा आजकल लोग बात कर रहे हैं। और अभी फाइनली अब मतलब शायद ये ब्रेकअप से उभर गए हैं, एक नई लड़की को अप्रोच कर रहे हैं, तो मतलब ये क्या सीन है? तेरा घाटा के बाद ये नया गाना है, खेलेगी क्या? YouTube पे जाके आप इस गाने को देख सकते हैं जिसमें गजेंद्र मतलब विदेशी लोकेशंस पे एक बढ़िया सुंदर लड़की के साथ डांस कर रहे हैं। क्या है गाना, जरा बताओ इसके बारे में कुछ। सो दिस, आई विल टेल यू फर्स्ट अबाउट द सॉन्ग। गाना इज अबाउट अ न्यू रिलेशनशिप एक्चुअली। सो बेसिकली वो फेज होता है ना व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप बट यू डोंट नो कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्या लिमिट है, क्या आप पीडीए कर सकते हैं, क्या आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं, घर पे बता सकते हैं कि नहीं बता, क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है, यू आर एक्सप्लोरिंग दैट लिमिट। सो दिस सॉन्ग इज अबाउट दैट। सो यू आर गेनिंग द ट्रस्ट ऑफ ईच अदर कि यू नो क्या लिमिट है वो ट्रस्ट की क्या। सो दिस सॉन्ग, द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग सेज दैट। अच्छा, तो इसलिए मुझे लगता है कि गजेंद्र को एक कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए क्योंकि कारण इसका बताता हूँ। इसमें मतलब जिस डिसेंसी से लड़की से पूछा जा रहा है, थिएटर से लेकर हाथ पकड़ने से लेकर सारी बातें, क्या एक तो नवाजुद्दीन ने पूछा था गैंग्स ऑफ वसीपुर में पिक्चर चलने के लिए, गजेंद्र पूछ रहे हैं। तो ये लिरिक्स तुमने लिखे गाने के? हाँ जी सर। तो ये वाला खेलेगी का कॉन्सेप्ट दिमाग में कैसे आया? भाई आप क्योंकि तेरा घाटा के बाद अगला रिलीज है, तो गाना बना लिया था। खेलेगी क्या इज अ स्लैंग है ना, वो ऐसे नॉर्मली भी पूछते हैं जैसे किसी को कहीं चलने को बोलना है ना, कुछ फन चीज करने को बोलना है तो ऐसा पूछते हैं। अपने जयपुर में भी आपने सुना होगा कभी कि नारगढ़ खेलेगा क्या, चलना है यार, खेलेंगे यार, वहाँ खेलेंगे यार, लाइक इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ अ स्लैंग। तो वो दैट आई हैव यूज्ड इन द सॉन्ग एंड बट द लिरिक्स आर मतलब जो मैंने आपको बताया उस बारे में। तो या तो यही है मतलब भाई इतना ज्यादा भावुक हो गए बात करते करते, लड़की पे ट्रस्ट जता रहे हैं, कह रहे हैं एफबी का पासवर्ड ले लो मेरा। अच्छा, जिंदगी का सबसे पहला पासवर्ड कौन सा था? आई विल टेल यू व्हाट, एफबी का पासवर्ड यहाँ देखो, सब चांद भी लाके दे देंगे एफबी का पासवर्ड। एफबी का पासवर्ड कोई नहीं दे रहा, तो वो दे रहा हूँ, तो उसमें क्या मतलब, देख लो मैं तुम पे इतना ट्रस्ट कर रहा हूँ कि मेरा एफबी भी तुम्हारा है क्योंकि पुराना मैं सब डिलीट कर चुका हूँ। इट्स ऑल क्लियर क्लियर क्लियर। ये गाना शूट कहाँ हुआ है? ये वाला थाईलैंड में। तो थाईलैंड फेवरेट डेस्टिनेशन बन गई? वेरी कन्वीनियंट नो, मुझे ऐसे लग रहा है अभी थोड़े टाइम में हमारे टूरिज्म वालों ने वैसे कर लिया है अप्रोच कि आप यहीं बनाओगे अब से। अच्छा, आ गया थाईलैंड टूरिज्म से। तो जो जब तुम थाईलैंड के लिए जाते हो तो मतलब देखो, जब भी हम बाहर जाते हैं एसेंशियल सामान लेके जाते हैं मेडिकल स्टोर से, तो इसकी दवाई, जुकाम की दवाई, क्योंकि बाहर कुछ पता नहीं ना, मिले। तो जब आप थाईलैंड बताते हो सामने वाले को तो क्या 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 देता है डब्बे में? एक बड़े there was this meme I was watching on Instagram, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी कि वाराणसी से बैंकॉक की डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हुई है। अच्छा, पता लगा है? वाराणसी से बैंकॉक। तो मीम पता क्या है? पाप से प्रायश्चित का रास्ता। कि पहले पाप करके आप आते ही नहा लो, सब पवित्र हो जाएगा गंगा जी में। तो एम्प्टीनेस और तेरा घाटा, ये दो गाने ऐसे जिनकी हम बैक स्टोरी जानना चाहते हैं, ये गाने कैसे बने? सो एम्प्टीनेस, मैं कॉलेज में था तभी, तो कॉलेज का प्यार, कॉलेज का ब्रेकअप, थोड़ा पहला प्यार वो ज्यादा दुख भरा होता है ना, वो तो आशिकी वाला जोन चला जाता है। तो ये वो जोन का गाना था एंड वो गाना हमने बनाया। फिर वो मैंने ही बनाया एक्चुअली, मैं कॉलेज में था यहाँ पे बॉम्बे में, और कॉलेज में मैं साउंड इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो स्टूडियो कॉलेज स्टूडियो में ही मैंने, इन्होंने भी बाय द वे अपना करियर रेडियो से शुरू किया था। साउंड इंजीनियरिंग मैंने कर रहा था तो वहाँ स्टूडियो में ही बनाया, और वहाँ से लीक हो गया, कहाँ से लीक हो गया वी स्टिल डोंट नो, एंड इट वाज वायरल ऑन द इंटरनेट एवरीवेयर विद दैट स्टोरी विद दैट नेम। और ओनली द बेस्ट थिंग विच वी हैड वाज कि वॉइस मेरी थी तो हमारा काम चल गया। बेस्ट थिंग जो मेरे साथ हुई इस गाने से इज मुझे इस गाने के बाद पता था कि मुझे इंडिपेंडेंट म्यूजिक करना है। लाइक आई वॉज सो श्योर कि उससे पहले शायद मैं दो माइंड में था कि बॉलीवुड करूंगा या रियलिटी शो में जाऊं, ऐसा करूं, बट आफ्टर दिस सॉन्ग हैपेंड आई वाज लाइक
इंडिपेंडेंट म्यूजिक, आई विल जस्ट डू माय सिंगल्स, कीप डूइंग देम. और तेरा घाटा जो कि आई गेस सबसे वायरल सॉन्ग रहा. हाँ जी. और मतलब उस पे जितने, उसकी वजह से लोगों ने एप्स डाउनलोड किए कि हम उस पे टिकटॉक बनाएंगे. तो मतलब जितना प्रमोट गाने को ऐप ने किया, ऐप ने भी गाने को उतना ही किया. तो इसके पीछे क्या स्टोरी रही? तेरा घाटा इज फिर कोई ब्रेकअप हुआ था? या ब्रेकअप नंबर 247. तो हाँ, तो वो इंस्पायर्ड पर्सनल से है, लाइफ से. एंड आई वांटेड टू मेक सॉन्ग क्योंकि सी वी वर ऑल, एवरीवन इज मेकिंग अ सॉन्ग जहाँ आप आशिक बन के रो रहे हो और ये कर रहे हो. बट दैट्स नॉट द ओनली फेज आफ्टर ब्रेकअप ना. आई वांटेड टू मेक अ सॉन्ग ऑन दैट फेज वेयर यू आर मूविंग ऑन, नॉट यू आर नॉट देयर. मतलब इन द रिलेशनशिप यू नॉट हर्ट एनी मोर, यू आर नॉट देयर, इज योर फीलिंग्स आर अटैच्ड. आपने There is a void in your heart, but you are moving on. तो वो गाना मुझे बनाना था. That was तेरा घाटा. तो उसमें तेरा घाटा में इस तरह का मैसेज था कि थी इसमें तेरा ही लॉस है, मेरा कुछ नहीं जा रहा, but still I am very connected to you. Yes. तेरे को कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल रहा. हाँ, मैं sir, that's what like that song you'll see. I have not disrespected. हाँ. Even a single word is not disrespected. हाँ. So that balance was very important for me कि जो मुझे convey करना था, क्योंकि वो एक That line I want people also not to cross. हाँ. कि वो यार disrespect क्यों कर रहे हो, आपको जो बोलना है आराम से बोलो. So that was the whole point. अच्छा, अभी जब खेलेगी के इतनी बात हुई है. हाँ. तो हमारे जो सुनने वाले हैं उनको थोड़ा खेलेगी क्या सुना दिया जाए? Yes. बोलो ना, तुझे देखा तो तुझ पे लुटाया है दिल, क्या करूं तेरे हाथों में है, चाहे तो तू दिल तोड़ दे, हाँ बोल दे. Oh yeah. जो आया मैं तेरी गली में, तुम आओगी क्या मेरे बारे में बताओगी क्या, ये सोच ले. ओ नन्ना, दिल की राहों पे चलना तो आसान नहीं है. ओ नन्ना, जो तू साथ मेरे तो सब कुछ सही है. हाँ ओ नन्ना, दिल के खेल में हूँ मैं कमजोर सा, जाने जा मर क्या बोल खेलेगी क्या. तुझे चलता है कि नहीं, तुझे चलता है कि मैं तेरे पीछे पीछे आके घूमू फिरू ना चुकाऊ, या तुझसे मैं नजरे मिलाऊ, फर्क पड़ता है कि नहीं बता के, मेरा पीछे आना तुझे चलता है कि नहीं, मेरे दोस्तों का सताना तुझे चलता है कि नहीं, चलता है क्या तुझको मेरा पास आना, पास आके दूर जाना, दूर जाना पड़ता है कि नहीं, मेरे घर के रास्ते में जो थिएटर है उस पे ले जाऊंगा, दो कॉर्नर की टिकट ले आऊंगा, तुझे शाहरुख की टिकट दिखाऊंगा, चांदनी चौक के पराठे खिला के तुझे ऊपर से बटर लगाऊंगा, हाँ ऊपर से बटर लगाऊंगा, हाँ हाँ फिर तू खेलेगी क्या, खेलेगी क्या. क्या बात, थैंक यू सो मच. 106.4 Magic, G-Laser, huh?